ओलंपिक्स इज राइट एट द कॉर्नर और पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो पाकिस्तानी एथलीट्स जो हैं वो पेरिस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी एथलीट्स के साथ राणा सनाउल्ला भी मौजूद हैं। राणा साहब ने कौन राणा साहब भी गए हैं। बिल्कुल जी, राणा साहब से हमने बड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश की कि किसी तरह राणा साहब जो है वो हमारे शो पे आके हमसे ये बात कर लें कि कहाँ वो बेहतरी की बात कर रहे हैं, जो जो उन्होंने बयानात दिए इन द रीसेंट पास्ट के, नहीं जी सिर्फ क्रिकेट के अलावा बाकी और जो स्पोर्ट्स हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है, बिकॉज उनके जो हेड्स बैठे हुए हैं वो बेहतर नहीं कर पा रहे, तो हमें बात करने की ज़रूरत है, बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर राणा साहब के पास टाइम नहीं था, वो बिजी थे। राणा साहब ने कहा होगा कि दूसरी टीमों की क्या, दूसरे खेलों की क्या हालत है, मैं खुद जाके देखता हूँ और खुद उसका जायजा लेता हूँ। अब ये उनके लिए आसानी होगी ज़रूर कि वो देख लें वहाँ पर पेरिस में जब ये ओलंपिक मुकाबले हो रहे होंगे कि दुनिया के जो ममालिक हैं उनके कितने कितने खिलाड़ी शरीक हैं, और पाकिस्तान का जो दस्ता है वो कितने खिलाड़ी हों और कितने ऑफिशल्स पर मुश्तमिल है, ये भी देख लें ताकि उनको सहूलत हो जाएगी किसी भी किस्म के हतमी नतीजे तक पहुंचने में, कोई जायज़ा लेने में, कोई फ़ैसला करने में। तो बहरहाल राणा साहब आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान के जो खेले हैं उनके जो वजारत है उसके सरबराह की हैसियत से बहरहाल एक चीज़ तो अच्छी हुई है, लगता है कि राणा साहब कम अज़ कम खेलों की तरफ से जाएंगे। अल्लाह करे कि इसी तरीके से कुछ खेलों का शौक़ भी पैदा हो और बेहतर तरीके से खेलों की फ़रोग के लिए काम भी करें, लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी खबर ज़रूर है कि राणा साहब सफ़र पर हैं। नहीं, आई होप राणा साहब जो हैं वो लकी चांस साबित हों पाकिस्तान के कंटिजेंट के लिए और ओलंपिक्स में जो है वो हमें अच्छी कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस दिखे, बिकॉज एक जो हम मेडल की होप सबसे बड़ी मेजर देखते हैं दैट इज अर्शद नदीम जैवलिन में और अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस अर्शद नदीम की रही इंजरी से वापस आके फोर्थ नंबर पे आना, वो दैट वाज नॉट मच सैटिस्फैक्ट्री, उसकी वजह से थोड़ा सा जरा कॉन्फिडेंस कम हुआ है, बट आई होप कि कॉन्फिडेंस अप्रोर हो और पूरे जो पाकिस्तान का कंटिजेंट है उनको बहुत सारी बेस्ट विशेज, बहुत सारी गुड लक। हम साथ साथ कवर करते रहेंगे ओलंपिक्स के भी इस इन अपडेट्स को कि कौन कहाँ क्या कब मुकाबला करेगा और क्या उस मुकाबले का रिजल्ट रहा, बट राणा सनाउल्ला साहब क्या कर रहे हैं उस पर भी हम नजर रखेंगे। राणा साहब पर भी नज़र रखेंगे और बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप नहीं देख रहे हैं तो हम तो रोज़ाना यहाँ पर देखते हैं और पाकिस्तान का मीडिया आप पर नज़र रखेगा। दोबारा फिर मेरा ख्याल है अगर क्रिकेट की बात की जाए तो एक बड़ी अहम चीज़ है कि हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन, पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं उन पर अहम गुफ्तगू के लिए, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेहतरी कैसे होगी, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला क्या मामला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अंदाज में क्यों चल रहा है, कौन लोग हैं जो इसको ख़राब कर रहे हैं, आलिया रशीद साहिबा पाकिस्तान में खेलों की मारूफ सहाफ़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है उसकी सरबराह रही हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम आलिया रशीद साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। आलिया साहिबा, पहला सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, बांग्लादेश ए और श्रीलंका ए के खिलाफ हम ए सीरीज खेल, ए टीमों के खेलेंगे और हम वो पाकिस्तान में खेलेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वहाँ पर भी बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे हैं, तो ये कौन चला रहा है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये ठीक काम हो रहा है? ये तो आप लोग माशाल्लाह बैठे हैं और जबरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझसे कहीं बेहतर आप जानते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है बींग एक सिंसियर क्रिकेट लवर के तौर पे चीजें हैं जो बहुत परेशान कुन होती जा रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की जो बेहतरी है उस पे कोई एक एंगल नहीं है जिसपे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप ये देखें कि इंटरनेशनल पे जिसने आपने अभी मेंशन किया कि हम ऑस्ट्रेलिया जाके भी बांग्लादेश की वो भी हम सेकंड टीयर उनकी टीम से खेल रहे हैं, तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि हम ये जो प्लान करते हैं वो किस चीज को सामने रख के करते हैं, क्योंकि देखें अगर हमने सिर्फ बांग्लादेश श्रीलंका जिम्बाब्वे वगैरह के खिलाफ खेल के ही हमारे प्लेयर्स यकीनन उनसे कोई ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई अंडरमाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं तो आपको कंसिडर भी बड़ा प्लेयर किया जाता है, बेहतर किया जाता है, और बेशक हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उनको वो एक्सपोजर देना और खासतौर पर ए टीम्स को जो उनके डिजाइन करना है उनके टूर्स को, ये बड़ा सीरियस काम है और उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अब आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ आ रही है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जिनके ऊपर लोगों की नजर है कि क्या इंडिया ने पाकिस्तान ट्रेवल करना है नहीं करना, तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है श्रीलंका में जो मीटिंग्स हो रही हैं और चेयरमैन साहब जो हैं वो काफी इस वक्त ऑक्यूपाइड होंगे और अपनी तरफ से वो पूरी कोशिशें भी कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो किसी सूरत आए
और ये जो एक दरार सी पड़ी हुई है इसको किसी तरह फिल किया जाए। बिल्कुल, मगर मसला सिर्फ गंभीर इतना ज्यादा इस चीज पे आ रहा है कि हमारी इस चैंपियंस ट्रॉफी जो है उस वो सामने है और अचानक पता चलता है कि हम इंडिया को, हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो एक बायलेटरल T20 सीरीज किसी थर्ड कंट्री में ऑफर करने जा रहे हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में कि ऑलरेडी वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, अगर अभी तक तो जाहिर है हतमी तौर पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन जो स्पेकुलेशन हैं या जो सियासी मंजरनामा है उसके पेश नजर हम जो बात चीजें देख रहे हैं, तो इस दौरान ये कौन लोग हैं जो खुद ही ऑफर कर रहे हैं कि आप तीसरी जगह हमारे साथ बायलेटरल सीरीज खेल लीजिए। आलिया जी, थोड़ी सी डिस्कशन में जो हम ब्रेक लगाते हैं, बिकॉज हमने एक ब्रेक पर जाना, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो क्या अफवाहें हैं जो के सामने आ रही हैं, क्योंकि जब हम ICC मीटिंग की बात करते हैं और मिनट्स की बात करते हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ इस खबर की कहीं कोई डिस्कशन नहीं हुई कि जय शाह और मोहसिन नकवी साहब की कोई इस तरह की गुफ्तगू हुई हो। क्यों यहाँ पे ये बातें रोटेट होना शुरू हो गई हैं? आपको भी पता है, आप भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रही हैं, कभी कभार कुछ खबरें ऐसी बाहर आती हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर इन कॉन्वर्जेशन विद आलिया रशीद। और ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कशन हुई थी आलिया जी, जब कुछ चीज़ें जो कि शायद वहाँ मीटिंग में हुई भी नहीं होती मगर वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से यहाँ फ्लोट कर दी जाती हैं, आप रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रही हैं, क्या इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? देखें, इंडिकेशन ये मिलती है कि कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए उस तरह नहीं सोच रहे जिस तरह से उनको एक्चुअली सोचना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। होता क्या है इसमें कि चेयरमैन आते हैं और हमारे यहाँ तो माशाल्लाह मजाक ही बन गया चेयरमैन का आना और जाना। अब हर चेयरमैन जो आता है वो चाहता है कि वो मैक्सिमम इनपुट अपनी दे और मैक्सिमम उसकी उसको याद रखा जाए उसके कामों की वजह से, उसके फैसलों की वजह से। और मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो उनका ज्यादा फोर्टे है, बहुत उनको पसंद है, वो है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह वो स्टेडियम्स पे काम कर रहे हैं। उन्होंने आते साथ ही, जब मैं उस वक्त चूंकि PCB में थी तो जिस तरह मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी और जो उनका काम करने का स्टाइल है वो बिल्कुल क्विकली फैसले करते हैं। और अब आप देखिए कि ना सिर्फ ये कि स्टेडियम्स की शक्ल बदल रही है बल्कि होटल की जगह ली गई है ताकि टीमें वहाँ ठहरें, वो हर तरह से इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, जो असल चीज है वो है आपकी क्रिकेट को आगे लेके जाना। और वो कैसे जाएगी, अभी हमारे दोस्त कराची से उनकी वीडियो मैंने शेयर भी की है, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, ग्राउंड में पत्थर हैं, बुरा हाल है, तो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है या जो नीचे की क्रिकेट है उसमें जो आपके इख्तियारात की तकसीम है वहां तक जानी चाहिए, एसोसिएशंस को आजादी देनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहिए और उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए कि वो ये काम करें जैसे पहले भी होता था। कराची इतनी बड़ी नर्सरी है, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स वहां से निकले हैं, लेकिन अब आप देखिए कि आपको वो ग्रोथ नजर नहीं आ रही और आपको मुश्किल हो रही है कि बेंच स्ट्रेंथ आपको उस तरह नहीं मिल पा रही जिस तरह आज से कोई 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले मिला करते थे प्लेयर्स। तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, नाइंसाफियां होती हैं, इनजस्टिस हो रहे हैं। अब ये बड़ी अच्छी चीज है कि जो है पिच बनाने के लिए क्यूरेटर्स आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, अगर वो यहाँ पे काम करते हैं बहुत अच्छा फैसला है। तो जो अच्छे फैसले हैं उनको उनकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिनको तब्दील किया जा सकता है, जिन पर काम किया जा सकता है, वो वहां पे मौजूद अफसरान बिल्कुल नहीं करने देंगे, ये तय बात है। क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं वो जो भी चेयरमैन आलिया साहब, कथा कलामी की माजरा चाहूंगा, आपने कहा कि वो वहां पर मौजूद अफसरान करने नहीं देंगे, तो अगर कोई बेहतरी का काम होगा वो भी नहीं करने देंगे, तो क्या फिर वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही काम कर रहे हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हम एलिगेशन तो नहीं लगा रहे लेकिन हम अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए आपने क्या करना है। तो बेहतरी के लिए क्रिकेट इंप्रूव करनी है,
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, पिचेस को अच्छा करना है, आपने अपनी क्लब क्रिकेट को स्ट्रांग करना है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को स्ट्रांग करना है, वो उन चीजों पे तो काम नहीं हो रहा ना। काम जो है वो किस चीज पे हो रहा है, किसको कप्तान बनाना है, किसको उतारना है, किसको उधेड़ना है, किसको लीग की इजाजत देनी है, किसको नहीं देनी, ये इतनी सारी चीजें कॉन्ट्रोवर्सीज फिर पैदा करती हैं, उससे प्लेयर्स में रिफ्ट आती है, उनके दिल भी खराब होते हैं, और बजाय बेहतरी के फिर हमने तो जो देख रहे हैं हम पिछले 2-3 साल के दौरान, बार बार चेयरमैन बदलेंगे, पॉलिसी मेकर तो वही रहते हैं जो कि आपका ब्यूरोक्रेसी है जो चला रही है, ठीक है, चेयरमैन आते हैं, उनका अपना विजडम होता है, जरूर होता है, लेकिन वो मोहताज होते हैं क्योंकि उनको सिस्टम को समझने के लिए कुछ बरस चाहिए होते हैं, जब तक वो टाइम ही नहीं मिलता तो चेयरमैन चेंज हो जाता है।